हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, अब हमारे एग्जाम को बचे हैं 6 दिन, क्योंकि 5 जुलाई से हमारा एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। और मैंने ये देखा है कि सभी अभ्यर्थियों में एक बेचैनी सी है, वो ये जानना चाह रहे हैं कि लास्ट 6 डे जो रह गए हैं उसमें हम क्या करें ऐसा जिससे कि हमारा पेपर अच्छे से अच्छा हो। अभी मैं ये वीडियो बनाने के लिए काफी देर से ट्राई कर रहा था, तो जो मेरा जो राइटिंग पैड का जो सॉफ्टवेयर है वो भी नहीं खुल पा रहा था। तो फिर मुझे आइडिया आया, क्यों ना हम पेंट के अंदर बना दे, जो माइक्रोसॉफ्ट का पेंट होता है उसके अंदर भी राइटिंग का होता है। तो वो हैंग कर रहा था पीसी, इस वजह से मैं अब इसमें बना रहा हूँ और आगे की वीडियो भी इसमें मिलते रहेंगे आपको, ठीक है? तो दोस्तों, 6 दिन के अंदर क्या पढ़े? देखिए, 6 दिन के अंदर जो है वो सिर्फ आपका रिविजन हो सकता है। कुछ नया जो है वो आप पढ़ेंगे तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो याद रहेगा, ठीक है? सिर्फ लास्ट के दिन में हम क्या कर सकते हैं, जो करंट अफेयर है वो हम नया भी पढ़ेंगे तो हमारे काम में आएगा, मगर जो पुराना है, आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप पूरा मॉडर्न इंडिया पढ़ लें, पूरा ज्योग्राफी पढ़ लें, जिसने कभी ना पढ़ा हो। तो इसलिए आपको करना क्या है कि जो आप लोगों ने पहले से पढ़ रखा है, जो नोट्स बने हुए हैं आपके, प्रीवियस नोट्स जो भी हैं आपके पास, उनसे आप उनका रिविजन करें अच्छे से। नए पढ़ने से ज्यादा अच्छा ये होगा कि आप उनका रिविजन जरूर करें जो आपने पुराने नोट्स बनाए हैं। अब कुछ सब्सक्राइबर जो हैं हमारे, जो विद्यार्थी हैं, उन्होंने ये कहा है कि ये बताइए सर कि किताबें कौन कौन सी। अब देखिए, लास्ट 6 दिन पढ़ गए हैं, और एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने तो ये भी कहा है कि सर, जो आपने जीएस में मटेरियल बताया है, क्या वो सफिशियंट होगा? तो अब देखिए, क्या हमारे पास दिन सफिशियंट बचे हैं? मात्र 6 दिन बचे हैं। तो अब क्योंकि हमारे पास दिन भी कम है, तो इसलिए वो मटेरियल उनके लिए है जिन्होंने अभी तक जीएस में कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो वो कम से कम उतना तो पढ़ ही लें, ठीक है? और जो पढ़े हुए हैं पहले से, वो अपना रिवीजन कर लें, और थोड़ा सा जो मैंने उसमें टॉपिक बताया है वो थोड़ा सा और कवर कर लें, ठीक है? अब मैं थोड़ा सा किताब बता देता हूँ, जैसे कि इंग्लिश के अंदर कहाँ से, मतलब कहाँ से आप पढ़ सकते हैं, और जीएस के अंदर कहाँ से पढ़ सकते हैं। जैसे जीएस के लिए तो मैंने आपको लूसेंट बताई ही थी, ठीक है? लूसेंट से आप जीएस कर लीजिए। उसके बाद करंट अफेयर है, करंट अफेयर आपको लास्ट 6 मंथ के पढ़ने हैं, वो कोई भी सोर्स हो सकता है, ठीक है? न्यूज जो होती है वो हर जगह सेम ही मिलेगी आपको। उसके लिए मैंने आपको एक चैनल भी बताया था, वाईफाई स्टडी। यहां पर आपको वीकली मिल जाएंगे, बहुत अच्छे से मतलब समराइज किया जाता है इस चैनल के ऊपर, तो आप यहां से हेल्प ले सकते हैं। और रही बात मेरी, जैसे कि मैंने कहा था कि मैं भी करंट पे बनाऊंगा, तो वो देखिए लास्ट के 3 दिन होंगे, मगर आप उसका इंतजार ना करें, क्योंकि जो है लास्ट के 3 दिन में क्या होने वाला है वो तभी पता चलेगा। इसलिए आप अपने करंट अभी से तैयार करते रहें। पॉलिटी का मैंने एक वीडियो डाल दिया है जो आप लोग देख रहे हैं, और दूसरा वीडियो भी जल्दी ही आ जाएगा, क्योंकि वो 100 क्वेश्चन का था, 50 आपको मिल चुके हैं, और 50 बहुत जल्दी मिल जाएंगे, या हो सकता है मैं आज रात को ही अपलोड कर दूंगा बनाकर, ठीक है? उसके अलावा आपको इंग्लिश में कहां से पढ़ना है, इंग्लिश के लिए आप एसपी बख्शी की जो बुक है, ग्रीन कलर की है, इसे आप ले सकते हैं। इसके अंदर से आप नाउन प्रोनाउन, इसमें क्या पढ़ना क्या है, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव, ठीक है, एडवर्ब, तो इनका करना क्या है आपको, क्योंकि ज्यादातर इनसे सिंटैक्स एरर आती है, प्रीपोजिशन, ठीक है, एंटोनिम्स सिनोनिम्स। देखिए, एंटोनिम्स सिनोनिम्स में आप ज्यादा समय खराब ना करें, क्योंकि ये आपको इसमें पढ़ना बहुत ज्यादा होता है, और पता नहीं वो कहां से आ जाए, 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे, तो इसलिए आप एंटोनिम्स और सिनोनिम्स में तो ज्यादा समय खराब ना करें, वो जितना आप कम पढ़ें उतना ही सही है। मगर जो ये ग्रामर के रूल है, ये आप जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़ें, क्योंकि इनसे क्वेश्चन ज्यादा आने वाले हैं। एंटोनिम्स सिनोनिम्स से आप मेहनत ज्यादा करेंगे इसमें, और फल इसमें कम मिलेगा, ठीक है? तो एंटोनिम्स सिनोनिम्स को आप रहने दें, मगर हाँ, अगर आपको पढ़ना ही, तो इडियम फ्रेजेस जरूर पढ़ें, इडियम फ्रेजेस, ठीक है, इडियम फ्रेजेस पढ़ें, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो ये आपको करना क्या है, जो अभी अच्छे से याद करना है, वो idiom phrases revision कर लीजिए उनका, और one word substitution, antonyms synonyms पे आप ज्यादा समय ना दें, ठीक है? जितना याद है, अगर उनमें से आ जाता है तो अच्छा है, अदरवाइज आप ये ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, प्रीपोजिशन और ग्रामर के रूल पढ़ें। ये सारा का सारा एसपी बख्शी जो हमारी किताब है उसके अंदर दे रखा है। यदि इसके अलावा किसी के पास पैरामाउंट की है किताब, वो भी सफिशियंट होगी, ठीक है? मतलब ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर होनी चाहिए, मगर मैं प्रीफर करूंगा कि आप इस वाली किताब में काफी अच्छे से दे रखा है, आप इससे पढ़ सकते हैं, ठीक है? क्योंकि हमने देखा है एसएससी के भी ज्यादातर जो पुराने हैं वो इसमें से आए हुए हैं।
अब करंट अफेयर के लिए हो गया, इंग्लिश के लिए हो गया, और लूसेंट आप जीएस यहाँ से पढ़ सकते हैं। अब रही बात कि मैं आपकी क्या हेल्प करने वाला हूँ इस एग्जाम में, ठीक है। तो मैं करने वाला ये हूँ कि आपके लिए मैं, आप देखिए 5 दिन बचे हैं, 5 दिन के अंदर मैं आपको डेली 2 वीडियो दे सकता हूँ, ठीक है। एक वीडियो मैं आपको दे दूंगा जीएस का, एक दे दूंगा मैं इंग्लिश का। इंग्लिश के अंदर मैं आपको रूल बता सकता हूँ ग्रामर के, ठीक है, ग्रामर के रूल्स और कुछ वोकैब भी बता सकता हूँ। उसके अलावा जीएस के अंदर देखिए पॉलिटी का एक आ गया है, एक और आएगा, ठीक है, पॉलिटी का एक वीडियो आ जाएगा। और उसके अलावा एक ज्योग्राफी का बना दूंगा मैं, ज्योग्राफी का, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस का, मतलब आपको डेली इसमें से 2 वीडियो मिलेंगे, एक जीएस का मिलेगा, एक इंग्लिश का मिलेगा। ये सिर्फ आपकी हेल्प के लिए है, आपके रिवीजन के लिए है। अगर आप सिर्फ इसी के भरोसे बैठेंगे कि इनसे आपका प्री निकल जाएगा, तो ऐसा तो शायद ही संभव हो कि ऐसा तो नहीं होगा कि सारे क्वेश्चन इसमें से आने वाले हैं। बस ये आपका रिवीजन कराएगा, और जो मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ उसमें एक क्वेश्चन से रिलेटेड 2-3 साथ में और बता देता हूँ, जिससे कि आपको क्वेश्चन जो आने वाला है वो शायद उसमें से हो सके, ठीक है। तो हम इसमें से आपको वीडियो देंगे, ठीक है। और आप देखिए समय नजदीक है, इसलिए आपको होपलेस नहीं होना है। ज्यादा से ज्यादा समय रिवीजन पे दीजिए, करंट अफेयर पे दीजिए, क्योंकि करंट अफेयर के मुझे लगता है जैसे 10 से 15 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर के मिलेंगे। और जिस व्यक्ति को जीएस नहीं आती है वो करंट अफेयर ही तैयार कर सकता है, ठीक है। हिस्ट्री याद करना बहुत टफ होता है, इतनी जल्दी याद नहीं होती, उसके लिए मतलब कम से कम 5 या 6 महीने चाहिए होती है, क्योंकि उसे समझना होता है, एक तरीके से सिर्फ रट्टा नहीं मानना है। उसी तरीके से ज्योग्राफी हो गई, मगर जो करंट अफेयर है उसे समझना नहीं होता है, उसका रट्टा मारना होता है। तो आप करंट अफेयर लास्ट 6 महीने के जो है उसमें जुट जाइए अच्छे तरीके से, आपको 10 से 15 क्वेश्चन निश्चित रूप से मिलेंगे, ठीक है। और जो जीएस जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, वो उस वाला जो मेरा वीडियो है उसमें से आप देख सकते हैं कि जीएस में से कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, जिसमें मैंने आपको अलग अलग सब में बताया है कि ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है, हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, पॉलिटी में क्या पढ़ना है, ठीक है। और मैं वीडियो जो डाल रहा हूँ वो आपके रिविजन के लिए काफी बेहतर होंगे। तो यही सब सूचना देनी थी। और देखिए आप होपलेस मत होइए, कोई ये आखिरी एग्जाम नहीं होने वाला है। देखिए मैंने देखा है कि कई सब्सक्राइबर मेरे साथ जुड़ चुके हैं और कमेंट करते हैं, और मतलब एकदम से परेशान से हो गए हैं कि सर अब एग्जाम बहुत पास आ गया है, अब क्या करें। तो देखिए ये लास्ट एग्जाम नहीं है, है ना, आप अपनी पूरी तैयारी से दीजिए। होता अच्छा होता है तो और अच्छी बात है, नहीं होता है तो और अच्छी बात है, क्योंकि अभी और भी एग्जाम है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ICMR का भी इस समय फॉर्म निकला हुआ है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जो एम्स के अंदर, दिल्ली के अंदर ही इसका एक कैंपस है, उसमें वैकेंसी निकली हुई है। उसमें वैकेंसी जो निकली हुई है वो है असिस्टेंट की, उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाकर डाला है, आप देख सकते हैं, असिस्टेंट की और UDC की। तो इसकी तो आपकी तैयारी चली रही है। देखिए अब आप जब चैनल के साथ जुड़ गए हैं तो हमारा उद्देश्य यही है कि आपको किसी भी तरीके से हम गवर्नमेंट जॉब दिलाने में हेल्प करें, चाहे वो राज्यसभा की हो या कोई और हो, मतलब फिलहाल आपको जॉब मिलनी चाहिए। क्योंकि देखिए बेरोजगारी की समस्या इतनी ज्यादा हो गई है कि आदमी इस समय ये कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरीके से मुझे जॉब मिल जाए। देखिए अगर आप आर्थिक रूप से सुदृढ़ नहीं है तो पहला टारगेट आपका ये होना चाहिए कि मुझे किसी भी तरीके से जॉब मिले, चाहे वो क्लर्क की क्यों ना हो, और उसके बाद फिर आप तैयारी कर सकते हैं। और अच्छे से तैयारी कीजिए, जब तक आपकी एज है आप मत बैठिए शांत होकर, आप अच्छे से अच्छे तैयारी कीजिए उसमें, ठीक है। तो आप हमारे साथ जुड़ गए हैं तो मैं आपकी हेल्प करता रहूंगा। आप इस वाले फॉर्म की इस समय अभी डेट है 7 जुलाई तक है, इस वाले फॉर्म को भी साथ में डाल दें। ये वाली परीक्षा दे रहे हैं आप, अच्छी बात है, मगर किसी भी वजह से अगर आपका ये भी पेपर किसी वजह से खराब हो जाता है तो आपके पास दूसरा ऑप्शन रहेगा कि ये वाला आप डाल दें। इसका मैं आपको लिंक जो है वो नीचे शेयर कर दूंगा, जिससे कि अभी तक अगर आपने ये फॉर्म ना डाला हो तो ये फॉर्म सबमिट कर दें, ठीक है। अच्छा अब एक चीज और, ये थोड़ा सा मैं आपको पर्सनली बताता हूँ कि हमारे कुछ सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो एक्टिव हैं, प्रोएक्टिव हैं, मतलब मैं कोई भी वीडियो डालता हूँ उस पर कमेंट करते हैं, उसे लाइक करते हैं। तो मैं सिर्फ ये चाहता हूँ, देखिए जैसे आपने देखा ही होगा दोस्तों, ये एक ह्यूमन प्रवृत्ति है। जब भी हम अपना फेसबुक पे भी अगर फोटो अपलोड करते हैं तो उसके बाद हम थोड़ी थोड़ी देर बाद चेक करते हैं कि कितने लाइक आए, क्या कमेंट आए। तो उसी तरीके से देखिए अभी मेरा चैनल जो है ये ज्यादा पुराना नहीं है, अभी नया नया चैनल चालू हुआ है, इसलिए मेरी भी यही प्रतिक्रिया है। मैं ये भी जानने के लिए उत्सुक रहता हूँ हमेशा कि जो मैंने बनाया है, जिस पर मैं मेहनत कर रहा हूँ, उन लोगों की प्रतिक्रिया क्या है, आप लोगों की, आप लोग उसे लाइक कर भी रहे हैं या नहीं। कभी कभी मैं देखता हूँ जो व्यूज है मान लीजिए 150 आ गए मगर उस पर कमेंट 17 ही आए या लाइक उस पर 10 ही आए। तो होता यह है कि मुझे भी थोड़ी सी निराशा होती है। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उसे लाइक ही कीजिए, जो भी हो आप कमेंट करके बताइए, उसमें जो सजेशन है आपके सजेशन बताइए,
जैसे कि हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, मैं अभी बताता हूं, उनका नाम है सार्थक उपाध्याय जी। उन्होंने मुझसे ये कहा था कि जो सर आपने राज्यसभा की जो वीडियो बनाई है उनकी एक प्लेलिस्ट बना दी है। मुझे उनका सजेशन बहुत अच्छा लगा, ताकि जो है सारी प्लेलिस्ट है वो एक जगह हो जाए। देखिए, उनका सजेशन पाते ही मैंने राज्यसभा की प्लेलिस्ट बना दी, जिसके अंदर 7 वीडियो है। तो जब भी आपकी आप इसमें प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको यहाँ पर जो है वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर आपका कोई सजेशन है वो आप मुझे देते रहा करिए और मैं उसे इंप्लीमेंट समय समय पर करता रहूंगा। इसी तरीके से मुझे और भी रिप्लाई मिले हैं, जिस तरीके से एक हमारे सब्सक्राइबर हैं जिनका नाम है शिखा तिवारी जी ने कहा है कि सर थोड़े वीडियो और बनाइए जो हमारे एग्जाम में हेल्पफुल करें। तो ठीक है, मैंने आपको जैसे कि बताया कि हम और वीडियो बना रहे हैं, डेली आपको 2 वीडियो मिल जाएंगे एग्जाम से पहले, और उसके बाद देखिए जब आप चैनल से जुड़ गए तो आगे भी जो आपकी तैयारी चलेगी हम उससे रिलेटेड वीडियो आपको स्टडी से रिलेटेड प्रोवाइड कराते रहेंगे, और आपको फ्यूचर के आने वाले और भी जो एग्जाम है उनसे आपको बिल्कुल अवेयर करते रहेंगे, ठीक है। उसके अलावा एक हमारे सब्सक्राइबर है जिनका नाम है प्रिंसेस डोली। उन्होंने कहा है कि सर हम आपकी मेहनत को जाया नहीं जाने देंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए जो है हमें काफी देर के लिए मतलब फैन भी बंद करना पड़ता है, और गर्मी आप जानते ही हैं कैसी पड़ रही है, तो काफी थोड़ी सी मेहनत लग जाती है, और कभी कभी वीडियो रिकॉर्ड करते हैं आधे घंटे का किया फिर पता चला रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है ना। तो उनका मुझे काफी कमेंट अच्छा लगा। उसके अलावा है किरण कुशवाहा जी जो है, जिनका नाम है किरण कुशवाहा। इन्होंने कहा है कि सर हिंदी इंग्लिश के भी वीडियो बनाइए, क्योंकि देखिए इंग्लिश का भी पेपर होने वाला है, तो इनके लिए जैसे कि मैंने कहा कि इंग्लिश के भी मैं वीडियो अब डेली आपको एक मिलेगा, एक इंग्लिश का मिलेगा और एक जीएस का मिलेगा, ठीक है। अब एक हमारे सब्सक्राइबर हैं जिनका नाम है अवंतिका सिंह जी ने यह कहा है कि सर कितने क्वेश्चन किए जाएं कि हम उसमें सेलेक्ट हो जाएं, प्री क्वालिफाई हो जाएं। देखिए अभी ऐसा कोई क्राइटेरिया तो नहीं है, देखिए 180 है, मगर हाँ इतना कहा जा सकता है कि अगर आपने 150 तक आपका अच्छे से अगर हो जाता है 140 से लेकर 150 के बीच में, तो हाँ आपका प्री निकल जाएगा। और इसमें सेक्शनल कट ऑफ नहीं है जिस प्रकार बैंक में होती है, जैसे कि सेक्शनल आपको अलग अलग क्वालिफाई नहीं करना है, ये आपकी कंबाइंड मेरिट बनेगी, तो आपको कंबाइंड जैसे SSC का होता है उसी तरीके से है कि कंबाइंड मेरिट। अगर आपका कोई एक सब्जेक्ट कमजोर भी हो जाता है और बाकी में आप कवर कर लेते हैं तो आपके आप उसे क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा हमारे एक सब्सक्राइबर और हैं जिनका नाम है जैस्मिन राय, हाँ उनका नाम यही है। उन्होंने अप्रिशिएट किया है जो मैंने वीडियो डाला है, उन्होंने भी मतलब ये कहा है कि सर आपका वीडियो मुझे आपका एक्सप्लेन करने का तरीका जो है मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं अपने सभी सब्सक्राइबर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग मेरे वीडियो को देखते हैं, और उन्हें तो बस मेरी आपसे यही विनती है कि आप उस पर अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। जब भी वीडियो देखें आपको अच्छा लगे बुरा लगे या आपका कोई भी सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, और मैं उसे जरूर इंप्लीमेंट करूंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको बेहतर से बेहतर डिलीवर किया जा सके। अब देखिए हुआ यह था कि जो ये राइटिंग पैड है जिससे मैं लिखता हूं, ये मैंने आज से लगभग 1 साल पहले मंगा लिया था, मगर मैं सिर्फ इस मतलब इस चीज का इंतजार कर रहा था कि कब मैं कैमरा लूंगा और उसके बाद में मतलब चैनल बनाना शुरू करता हूं। मगर क्या हुआ कि कैमरा लेने का हो ही नहीं पा रहा था, तो अब तो यही हो गई कि ना कृष्ण बंसी बजाएंगे ना ही राधा नाचेगी, ना ही कैमरा आएगा ना ही चैनल बनेगा, तो ऐसा नहीं है। तो जब फिर मुझे आइडिया आया कि हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग से भी तो काम कर सकते हैं, और देखिए आज हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग से ही ये वीडियो बना रहे हैं और आप तक जो है आपको अवेयर करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो चीजों को हमें करना होता है, तो यही मैं करता हूं कि आपके पास 6 दिन है, 6 दिन के अंदर आप जितना अच्छा कर सकते हैं करिए, और उसके बाद भी जो है हम आपके साथ हैं। टाइपिंग के लिए आप परेशान ना हो। हाँ कुछ लोग पूछ रहे थे कि इसमें टाइपिंग होगी क्या, टाइपिंग होगी मगर सभी पोस्टों के लिए नहीं है। जैसे कि असिस्टेंट प्रोटोकॉल अफसर इसके लिए टाइपिंग नहीं है, इसके लिए मेंस होगा, मेंस के अंदर इंग्लिश और पॉलिटी आएगी, मगर उसके अलावा जो हमारा सेक्रेटरिएट असिस्टेंट उसके अंदर टाइपिंग होगी, और टाइपिंग उसके अंदर हाँ अच्छी स्पीड मांगी जाती है। देखिए और एग्जामों से सबसे ज्यादा स्पीड जो टाइपिंग में मांगी जाती है वो इसी में मांगी जाती है, आपकी 40 की स्पीड होनी चाहिए कम से कम, ठीक है, तभी आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। तो आप टाइपिंग के लिए बिल्कुल परेशान ना हो, जब आपका प्री निकल जाएगा टाइपिंग के लिए आपको 2 से 3 महीने मिलेंगे, ठीक है, उसके लिए परेशान नहीं होना है। तो 2 से 3 महीने के अंदर आपकी टाइपिंग बहुत अच्छी करवा दूंगा मैं, टाइपिंग मेरी बहुत सही है, चाहे वो हिंदी की हो या इंग्लिश की हो, तो आप टाइपिंग से बिल्कुल निसंकोच रहें, मतलब बिल्कुल निश्चिंत रहें कि टाइपिंग कैसे होगी। अगर आपकी 0 भी है तो 2 या 3 महीने के अंदर आपकी टाइपिंग बहुत अच्छी हो सकती है, अगर आप मेरी गाइडलाइन को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरे वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। यही हमारी रणनीति थी एक तरीके से, 6 दिन के अंदर आपको क्या करना है, बिल्कुल होपलेस नहीं होना है, ठीक है। और एक मैं एक आपको कोट दिखाना चाहता हूँ, कोट है ये आइंस्टाइन की, इसमें लिखा हुआ है कि ईश्वर के सामने हम सभी एक बराबर
ही बुद्धिमान और एक बराबर ही मूर्ख होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई स्पेशल कैटेगरी का होता है, सब हम ईश्वर की नजर में सब बराबर बुद्धिमान है और सब बराबर ही मूर्ख है। बस हमें ही अपना स्टैंडर्ड रेज करना होता है कि हम कितनी मेहनत कर सकते हैं। ऊपर वाले ने हम सबको बराबर बनाया है, किसी को अलग से ज्यादा बुद्धि नहीं दी, किसी को कम नहीं दी है। ठीक है, तो इसी कोट के साथ हम आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।